कौन है? मिसेस वर्मा घर पे हैं? हाँ है, आप कौन है? मैं वर्मा खानदान की रिश्तेदार हूँ। वर्मा खानदान की रिश्तेदार? बदमाश, तुम्हारे मैके वालों ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि घर आए मेहमान के लिए दरवाजा मत खोलो। मैंने सोचा पता नहीं कौन सा नया वर्मा खानदान का रिश्तेदार आ गया है। ओ, मैं तुम्हारे मियाँ की साली हूँ, चलो सर पे पल्लू लो, कमान कमान। हाय रे, ये बहू की भी अजीब कहानी है जिस पर ससुराल वालों ने नहीं पर मैके वालों ने जुल्म उठाए है। वाह दीदी वाह, जुम्मा जुम्मा चार दिन नहीं हुए कि मैं तो भूल चली बाबुल का देश पिया का घर पिया। और तो कुछ कम है, मेरी बहन ना रहकर मेरे मियाँ की साली कहलाना तुझे ज्यादा पसंद है। Why not? हमारे जीजा जी है इलाकों में एक। और मैं? तुम 99,999 में एक। अच्छा बता, यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मेरे जीजा जी का घर है, जब जी चाहेगा आ जाऊंगी। जब जी ना चाहे तब भी आ जाया करो। क्या है कि माँ जी और बाबू जी बस कुछ ही रोज पहले गांव चले गए हैं, इसलिए घर बहुत खाली खाली लगता है। तुम आ जाया करोगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन तुम्हारे इस खाली खाली घर में भी खुशियों का मेला सा लगा हुआ लगता है। हाँ नीतू, खुश तो मैं बहुत हूँ। और तू बता, घर पे सब कैसा है? घर में तो हर चीज बरसों से वैसी की वैसी ही है और वैसी ही रहेगी। मम्मी कैसी है? आजकल मैं मम्मी की एक्टिंग देख रही हूँ। एक्टिंग? क्या मतलब? यू नो, आजकल मम्मी मुझे एक्टिंग करके दिखाती है कि मैं तो रितु को मिस ही नहीं करती, हालांकि सच तो ये है कि वो तुम्हें बहुत मिस करती हैं। वैसे थोड़ी बहुत एक्टिंग मैं भी कर लेती हूँ। एनीवे, हम सचमुच तुम्हें बहुत मिस करते हैं। हमारा वो छोटा सा बेडरूम है ना, ऐसे लगने लगा है जैसे वहां पर लंबा चौड़ा सोनापन आके रहने लगा है। बहुत मिस करते हैं तुमको। मैं एक आइडिया दूं? अपने सपनों में किसी को बसा लो, फिर अपने बेडरूम से खालीपन कूद कर भाग जाएगा। सच नीतू, मजाक नहीं, मेरी बात मान लो, किसी को अपना लो। पहले उस पराए शख्स को तो अपनी जिंदगी से निकाल लूं जिसे कभी अपनाया था। वो कौन? वाल्टर। अच्छा खासा तमाशा कर दिया उसने आज। कैसे तमाशा? अपने पापा है, उन्होंने उन्होंने ये मेहरा फैमिली आई थी शादी पर, उनसे कमिट कर दिया कि नीतू तुम्हें साइट सीइंग पर ले जाएगी। चलो मैं ले गई। वहां से युवराज और मैं कॉफी शॉप गए तो हमारे महाशय आ तब के वाल्टर, और मुझ पे बेहुदा इल्जाम लगाने लगे कि युवराज और मेरा कोई चक्कर चल रहा है जिस वजह से मैंने वाल्टर को छोड़ा है। और मैं जितना उसे रोकने की कोशिश कर रही थी वो उतनी ज्यादा बेहुदगी कर रहा था। जब मुझे नहीं सहाया गया तो खींच के एक थप्पड़ लगा दिया। What? तुमने उसे थप्पड़ मार दिया? क्या करती, बुरा मुझे भी लगा, बट ही वॉज टू मच, वो बिल्कुल आपे से बाहर जा रहा था। अब तो मैं सचमुच यही दुआ करती हूँ कि मुझसे नफरत करने लग जा और मेरी जिंदगी से चले जा। चला जाएगा, चला जाएगा। नीतू, इसे मंदिर की घंटी समझ गए, लगता है तेरी दुआ कबूल हो गई। हेलो, यस दैट्स राइट, नीतू से, आप कौन? वन सेकंड, लगता है वाल्टर चला गया। क्या? कोई बॉबी है तुम्हारे लिए। कौन सा बॉबी? हेलो, नीतू जी पूछ रही है कि आप कौन से बॉबी बोल रहे हैं, कहीं राज कपूर वाले तो नहीं ना? एक मिनट, कोई बॉबी मेहरा है? बॉबी मेहरा, उसका फोन यहां पर मेरे लिए? हेलो।